YouTube पे वीडियो कैसे बनाएं, YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड करें, थंबनेल कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे अपलोड करें, YouTube पे पहला वीडियो कैसे अपलोड करें, इस सब पे हम पहले डिटेल्स में बात कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जिससे आप अपने YouTube चैनल को एक ही जगह से उसको आप मैनेज कर सकते हो, वो है यूट्यूब स्टूडियो। आपके कितना बड़ा चैनल क्यों ना हो या कितना छोटा चैनल क्यों ना हो, सभी को एक यूट्यूब स्टूडियो मिलता है, जहां से आप अपने चैनल को एक ही जगह से, आप अपने पूरे चैनल को एक ही जगह से उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने चैनल को एक ही जगह से कैसे मैनेज कर गए। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके के नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आप यकीन मानिए कि आपको पूरे YouTube पे इस तरीके का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा कि कैसे अपने YouTube चैनल को एक ही जगह से कैसे मैनेज करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हैं, अपने चैनल को मेंटेनेंस करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एक्सेस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे youtube.com। अगर आप मोबाइल पे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद अपने चैनल को आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां पे YouTube स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो आप YouTube स्टूडियो में एंटर हो जाएंगे। यहां चैनल के डैशबोर्ड दिया गया है जहां अपने चैनल की काफ़ी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ अपने वीडियो में परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आपको कितना व्यूज आया हुआ है और आपके कितने घंटे का वॉच टाइम यहाँ से हुआ है। YouTube की तरफ से जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चैनल एनालिटिक्स दिया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 28 दिनों में आपका चैनल कितना परफॉर्मेंस किया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि व्यूज आप देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आप वॉचिंग टाइम अपने चैनल का देख सकते हैं। और आप पैसे अर्न करेंगे तो आपके इसके नीचे आपका पैसा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आप टॉप वीडियो में पिछले 48 घंटे में आपकी वीडियो कौन कौन टॉप पर रही है तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लाइव आ सकते हैं, जिसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने वीडियो का लेटेस्ट पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं जो आप अपने कम्युनिटी पे आप यहाँ पे डाली हुई हैं। और यहाँ से आप इसका लाइक एंड कमेंट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लेटेस्ट कमेंट देख सकते हैं, जो आपका जो कमेंट किया हुआ लेटेस्ट में, तो यहाँ से आप मोर ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका कमेंट कितना आया हुआ है लेटेस्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी लेटेस्ट में आपको कौन कमेंट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब के तरफ से कुछ आइडियाज़ आपको दिए जाते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर आने का वीडियो पर आने के बाद यहाँ पर आप अपने वीडियो टोटल वीडियो के एक ही जगह पर आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं कौन सा डेट में आप कौन सा वीडियो यहां पर डाले हुए, कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने डिसलाइक आए हैं, और यहां पे पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, सब टोटल यहां चीज़ आप देख सकते हैं। और यहां डिटेल्स पे आके अपने वीडियो की पर्टिकुलर काफ़ी सारी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और यस नो किए हुए हैं, तो यहाँ से हम अपने डिस्क्रिप्शन टाइटल को बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ एनालिटिक्स पे आके हम अपने वीडियो को प्रॉपर एनालिटिक्स देख सकते हैं, यहाँ से टोटल कितने व्यूज आई हैं, टोटल कितने वाचिंग आपका वाचिंग टाइम कितना हुआ है। और नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका वीडियो किस तरह से परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे एडिट पे आके यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम गेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपने वीडियो के एडिट भी कर सकते हो, अगर आपको जितना वीडियो यहाँ से एडिट करना है उस हिसाब से यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। ये उस टाइम आपको काफ़ी काम आने वाला है जिस टाइम आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट क्लेम आता है किसी म्यूजिक की या किसी फ़ोटो की वजह से, तो आप यहीं से फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं और अपने जो है ऑडियो को यहां से डिलीट कर सकते हैं। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है।
इसके बाद यहाँ कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद अपने वीडियो पर कितना कमेंट है सो यहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ कमेंट ऐसे होते जो है रिव्यू में रखे आते हैं, तो आप यहाँ पे हेल्प फॉर रिव्यू में उस कमेंट को रख सकते हैं और यहाँ पर रख के इसको देख सकते भी हैं और यहीं से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सब टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर अपने वीडियो पर सब टाइटल भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज करेंगे और यहाँ से आप कन्फर्म पर जाकर कन्फर्म कर देंगे, उसके बाद यहाँ सब टाइटल लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ से स्कैनैटिक्स कर सकते हैं और यहाँ से आप कमेंट इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब और यहाँ से आपका ऑप्शन आके इनेबल करके यहाँ से बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं और यहाँ से शेयर करने वाला लिंक एक हासिल कर सकते हैं। प्रमोट पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। और डाउनलोड पे अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट पे थोड़ी बार यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप अपने इस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शन आपको ये जितने वीडियो है उस सब पे देखने को मिलेंगे। यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने वीडियो के जितने प्लेलिस्ट है सभी को एक ही जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहीं से अपने वीडियो के आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ न्यू प्लेलिस्ट पे जाके आप एक नया न्यू प्लेलिस्ट यहाँ से आप बना सकते हैं। और यहाँ एनालिटिक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने चैनल की परफॉर्मेंस यहाँ से आप अपने चैनल की देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम चूज कर लेंगे कितने टाइम का आप अपने चैनल की देखना चाहते हैं। यहाँ पिछले 7 दिन की, पिछले 28 दिन की, पिछले 90 दिन की, पिछले 365 दिन की और लाइफ टाइम तक की यहाँ पे परफॉर्म अपने चैनल की देख सकते हैं। जैसे कि हम देखने चाहते हैं कि मेरा 90 दिनों में मेरा चैनल कितना परफॉर्म किया, 390 वाले पे हम क्लिक करेंगे और मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये मेरा ओपन होकर आ जाएगा कि मेरे 90 दिन में मेरा चैनल कितना परफॉर्म किया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरे 90 दिन में कितने व्यूज आए हैं, कितना वाचिंग टाइम हुआ है और मेरा सब्सक्राइबर कितना बढ़ा है। और आपका जो पैसे कमाएंगे उसका यहाँ पे बगल में आपका ऐड हो जाएगा जो आपके कितने दिन में आप 90 दिन में पैसे कमाए हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं और नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरा 90 दिन में मेरा टॉप वीडियो कौन कौन सी यहाँ पे रही है। इसके बाद यहाँ पे हम कमेंट पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल के सारे यहाँ पे कमेंट आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी वीडियो पे किए गए हो। और यहीं से अपने चैनल का रिप्लाई दे सकते हैं, रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइपिंग करेंगे और यहाँ से जाके रिप्लाई कर देंगे। और यहीं से 3 डॉट पर क्लिक करके अपने कमेंट को यहाँ से डिलीट भी रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने चैनल को यहाँ से हमेशा के लिए इसको हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ अप्रूव पे ओके करेंगे तो जब भी हमारा ये यूजर कमेंट करेगा तो हमेशा ये ऑलवेज रहेगा और ये कमेंट हमें मिल जाएगा, आ जाएगा, चाहे उसके कमेंट में लिंक ही क्यों ना हो। और इस यूजर को कमेंट मॉडरेटर रूप में यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो YouTube चैनल पे जितने कमेंट किए जाते हैं तो ये यूजर मेरे कमेंट को डिलीट भी कर सकता है। हेल्प फॉर रिव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरा कौन कौन सी जो कमेंट है यहाँ हेल्पफुल में रखे गए हैं। और यहाँ सबटाइटल पे आके आप देख सकते हैं कि अपने वीडियो पे कौन कौन से सबटाइटल यहाँ पे लगाए हुए हैं। और कॉपीराइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो को कौन कौन यूजर यूज किए हुआ है। पहले कुछ पता नहीं चलती थी कि आपका वीडियो कौन कौन से यूजर यूज किए हुआ है, मगर अब इस बार नया दे दिया है, अगर कोई आपका वीडियो यूज करता है तो आपको यहाँ पे लिस्ट में आपको यह सोच कर देगा, तो आपको इसको सिंपली ब्लॉक भी कर सकते हो और हमेशा के लिए यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो और उसको ब्लॉक लिस्ट में अभी आप डाल सकते हो। लेकिन अब कोई भी आपको थोड़ा सा भी वीडियो, 1 सेकंड का भी वीडियो यूज करेगा वो अपने चैनल में, तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि ये यूजर ने आपका वीडियो यूज कर लिया है। तो आप सिंपली उस यूजर का हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपने चैनल से, और वो कभी आपको कमेंट करेगा, मैसेज भेजेगा तो वो उस आपके चैनल पर कभी नहीं आ पाएगा। मोनेटाइजेशन पर जाकर यहाँ अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को देख सकते हैं और यहाँ से अपने चैनल को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि मेरे 60 सब्सक्राइबर है और यहाँ पे जो है 90 पब्लिक वॉच टाइम है, 9 पब्लिक वॉच टाइम है। जैसे मेरा इनेबल होता है तो यहाँ पर आपको वो फंक्शन और वो मेथड यहाँ पर शो करने लगेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमाइज का चैनल जो न्यू है, बहुत ही अभी नहीं दे रखा था पहले, अभी जस्ट दे रखा है न्यू में। तो यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ वीडियो स्पॉट लाइटिंग का है, तो यहाँ से जाकर ऐड करके यहाँ से देख रहे हैं कि चूज स्पेशल वीडियो, जो भी वीडियो रखना है तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने स्पेशल वीडियो के यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ फ्यूचर वीडियो में जो भी आप उसको रखना चाहते हैं देखने के लिए, तो यहाँ पर आप चूज करके उसको आराम से यहाँ पर आप रख सकते हैं। और चाहे यहाँ से तो ऑप्शन पर जाकर यहाँ से रिमूव और चेंज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएगा
अगर यहाँ देख रहे हैं कि अपलोड 75 वीडियो तक आपका अपलोड हो जाएगा सेक्शन में जाके, और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका चैनल का लिंक है, जो यहाँ से आप अपने चैनल का लिंक को हमेशा के लिए कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ब्रांडिंग का ऑप्शन है, ब्रांडिंग को आके अपने चैनल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव कर सकते हैं। बैनर पर आके देखिए कि यहाँ पर बैनर पर आपका ये जो डेस्कटॉप कुछ इस तरह से आपको शो करेगा, और यहाँ पे लैपटॉप कुछ इस तरह से शो करेगा, और थंब जो है क्या चैनल आर्ट है जो बना हुआ है इस तरह से शो करेगा, और मोबाइल पर आपको कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं और दूसरा लगा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि अपन वीडियो कुछ वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड टू वीडियो, आप वीडियो के एंड में लगाना चाहते हैं, या आप देख रहे हैं कि वीडियो के स्टार्ट में लगाना चाहते हैं, या पूरे वीडियो में लगाना चाहते हैं। चलिए मैं पूरे वीडियो में लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इंटायर वीडियो पर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, और चाहे तो यहाँ से चेंज और रिमूव भी कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक यहाँ डाल सकते हैं, और अपने वीडियो को जो डालेंगे वो उसमें आप अपने चैनल का नाम डालेंगे तो वो आपका चैनल रैंक में आएगा, और यहाँ से आपका चैनल का लिंक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेज का, यहाँ से लैंग्वेज जो भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं लैंग्वेज। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेट पे जाकर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी रखना है आपको यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका चैनल का नाम आ गया, इसके बाद चैनल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लिंक डाल सकते हैं, शेयर करके यहाँ पर कुछ लिंक डाल सकते हैं, और यहाँ से आप हटा भी सकते हैं जो वीडियो में डालिएगा तो। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंक्स ऑफ बैनर, बैनर के लिए यहाँ 5 लिंक यहाँ से आप डाल सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि लिंक का पूरे लिस्ट यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर आकर देखिए अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो ईमेल दीजिएगा आएगा, तो यहाँ पर जाके इस मेल आईडी से आपको संपर्क कर सकता है। इसके बाद सब कुछ यहाँ पर डालने का सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी कस्टमाइज का जो भी लेटेस्ट में आया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा और फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। नीचे यहाँ पर आप सेटिंग ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर बहुत काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जनरल का, यहाँ पर अपन करेंसी को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको रख रहे हैं इंडियन रुपीस में तो आप NIR रख देंगे, अगर आपको इंडियन रखना है तो अपने चैनल में जो अर्निंग करेंगे वो उसको किस करेंसी में देखना चाहेंगे तो उसको कर लीजिएगा, और यहाँ से सिंपली आपको जाके सेव कर दीजिएगा, तो आपको जो करेंसी अर्निंग होगा वो आपको उस करेंसी में आपको यहाँ पे शो कर देगा। और सिंपली हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो देखिएगा कि मेरा ये ओपन होकर आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर मेरा सेटिंग ये सेव हो चुका है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है चैनल का, चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ आपका चैनल का नाम आ गया। इसके बाद यहाँ पर कंट्री चूज चेक कर सकते हैं, जिस कंट्री से है तो यहाँ पर आप जाकर कंट्री चूज कर सकते हैं सिंपली कि आप किस कंट्री से है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपका कीवर्ड है, अब जो भी कीवर्ड दीजिएगा, कीवर्ड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, ऐसा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पे ओके कर देना है। इसके बाद ये एडवांस सेटिंग है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रखे हैं कि अगर कोई आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये क्या आप वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं ये बच्चों को देखने के लायक है या नहीं है। अगर यहाँ पर आप यस पे कर देते हैं तो आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि आप ये बच्चों को देखने के लायक है या नहीं है वीडियो, और ये यहाँ पर हमेशा के लिए यस ही रहेगा। और यहाँ से जाके आप देख रहे हैं कि चेंज योर चैनल, यहाँ से जाके आप चैनल को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि गूगल एडिशन अकाउंट, तो यहाँ से जाके आप लिंक पर गूगल के जो एडिशन अकाउंट बनाएंगे वो यहाँ पर जाके आप लिंक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटो कैप्शन क्या है, तो इसको मैंडेटरी छोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर अकाउंट, तो अगर यहाँ पर अगर आप अनटिक कर रहे हैं तो आपका जो सब्सक्राइबर जो होगा आपके चैनल पे वो हार्ड हो जाएगा, यहाँ पे शो नहीं करेगा। और इसको अगर टिक कर देंगे तो आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर होगा वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा और सभी को यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ से हार्ड कर देंगे तो किसी को भी यहाँ पे शो नहीं करने वाला है कि मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि YouTube पर जो भी सब्सक्राइबर होता है उसको हम हार्ड कैसे कर सकते हैं और शो कैसे कर सकते हैं। अगर इसको हम अनटिक कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, शो नहीं करेगा। इसको हम टिक कर देंगे तो वह शो होगा, और सिंपली हमको यहाँ पर जाकर इसको सेव कर देना है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ रिमूव योर अकाउंट, यहाँ से अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, और या मैनेज योर YouTube अकाउंट, तो यहाँ से आप चैनल को मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने चैनल को और भी एडवांस यहाँ से सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे ओके करेंगे, और ओपन ओके करने के बाद कुछ आपको इस तरह से ओपन होकर ये आ जाएगा। और यहाँ से जाके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपने एसोसिएट कोई भी वेबसाइट यहाँ पर डाल सकते हैं, और गूगल एनालिसिस प्रॉपर्टी का ट्रैकिंग आईडी भी यहाँ पर आप डाल के यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रूम योर अकाउंट
अकाउंट, तो यहाँ से जाकर आप रिमूव भी कर सकते हैं और अपने चैनल के यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और सिंपली हमको यहाँ देख रहे हैं मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, तो हमको इसको क्लिक कर देना है और अब यहाँ से हम अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल का आ गया है, स्टेटस यहाँ पे है, चैनल न्यू चैनल यहाँ से आप बना सकते हैं और व्यू एडवांस सेटिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि योर अकाउंट, तो ये मेरा यहाँ पे अकाउंट है और यहाँ पे व्यू चेंज योर गूगल अकाउंट सेटिंग, तो यहाँ से जाके हम गूगल के अकाउंट को सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेम्बरशिप है, तो ये यट मेम्बरशिप प्रीमियम यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन है, यहाँ से अपने चैनल के आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि प्लेबैक, अपने यहाँ चैनल के प्लेबैक इन्फॉर्मेशन कार्ड भी देख सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट ऐप्स है, वॉचिंग टीवी है, बिलिंग पेमेंट है और एडवांस सेटिंग है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने यूजर आईडी यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, चैनल आईडी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। कस्टमर यूआरएल के यहाँ पर आप लिंक आ जाएगा और मूव चैनल, यहाँ से चैनल को आपको मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप हमेशा आपको चैनल को भी यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिले, तो मेरा चैनल किस किस के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मेरा पर वीडियो अपलोड करने के लिए, प्लेलिस्ट बनाने के लिए मेरा ये चैनल एलिजिबल है। इसके अलावा हम यहाँ पर जाके यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 15 मिनट से ज़्यादा का बड़ा वीडियो भी यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं और लॉन्गर 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम भी आ सकते हैं और अप्लाइंग कॉन्टैक्ट आईडी क्लेम भी यहाँ से हम कर सकते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं और टाइटल आपको वीडियो और चैनल को रैंक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसको टाइटल लिखेंगे, अपना उसके साथ अपना नाम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे आप भी जो भी वीडियो का टाइटल लिख रहे हैं उसको टाइटल लिख के यहाँ पर अपने चैनल का नाम ऐड करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, अनलिस्टेड रखना है, पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखिएगा तो आपको आप ही देखिएगा, अनलिस्टेड रखिएगा तो जो भी आपका फ्रेंड वो देखेगा, और यहाँ पब्लिक रखिएगा तो यहाँ पर सबको देख सकता है। टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई टैग लिखने के लिए जैसे आप कोई भी बोल होता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये न्यू वीडियो 2020 और ओल्ड वीडियो 2019-2020 ऐसे करके यहाँ पे जो टैग होता है वो लिख सके, यहाँ से आप इसको सिंपली सेव कर दीजिएगा। और यहाँ एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके अपने एडवांस सेटिंग को भी यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप लाइसेंस चूज कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, तो अगर ये रहेगा आपको तो ये कोई भी आपके वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ कॉमन क्रिएटर रखेंगे तो आपके वीडियो को सभी डाउनलोड कर पाएगा। इसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, कौन सा कैटेगरी कैसे आप वीडियो आपका है, तो जिस तरह से आपका वीडियो, जैसे यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एजुकेशन का है, न्यूज का है, इंटरटेनमेंट का है, कॉमेडी है, तो उस हिसाब से अपने चैनल को यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह का, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर कस्टम सर्टिफिकेट यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ कमेंट वगैरह है, जो कमेंट वगैरह के यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका परमिशन, तो यहाँ पे अपने चैनल का किसी को भी मॉडरेटर बना सकते हैं जो आपके चैनल को मैनेज कर सकता है, जैसे कि आपके चैनल पर कोई कमेंट किए जाते हैं वो उनको एडिटर डिलीट कर सकता है। यहाँ पर आप जाके सिंपली इन्वाइट पर क्लिक करेंगे और जिसको भी इन्वर्टर बनाना चाहते हैं वो उसका यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पर जाके उसको मैनेजर बना सकते हैं, एडिटर बना सकते हैं या एडिटर लिमिटेड बना सकते हैं, या उसको व्यूअर बना सकते हैं या उसको व्यूअर लिमिटेड बना सकते हैं। अगर आप अपने चैनल पर किसी को मैनेजर बनाएंगे तो वो आपके चैनल पर किसी भी चीज़ को ऐड या रिमूव कर सकता है, लेकिन आपके चैनल को डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप उसको एडिटर बनाएंगे तो आपको चैनल पे इसको एडिट कर सकता है मगर आप चैनल को रिमूव नहीं कर सकता और कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। और अगर व्यूअर बनाएंगे तो आपके चैनल को एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ उसको देख सकता है। ये उस टाइम काफ़ी काम आता है जिस टाइम आपके काफ़ी सारे पार्टनर हो, तो उस सभी पार्टनर को यहाँ पर आप एक्सेस दे सकते हैं किसी भी चीज़ को एडिट या डिलीट करने का। इसके बाद है यहाँ कम्युनिटी, कम्युनिटी पे ओके करेंगे आपको किसी इस तरह से ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पर मैं मॉडरेटर बनाया हुआ जूम को, चैनल को अप्रूव यूजर में भी यहाँ पे जूम को भी ऐड किया गया है, जो कभी यहाँ पे कमेंट करेंगे चाहे उसका यूआरएल ही क्यों ना हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। यहाँ हिडन यूजर्स में देख सकते हो कि यहाँ पर मैं किसी को नहीं किया हूँ, मगर अगर यहाँ पर आप जिसको हाइड करना चाहते हो वो उसका चैनल का नाम यहाँ डाल कर उसको आप हाइड कर सकते हो, यहाँ हाइड कर सकते हो या आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। तो स्पैम आने से पहले आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका ऑनर यहाँ पर आपके चैनल को ब्लॉक भी कर सकता है और यहाँ पर आपके चैनल को वर्ड को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर आपको
यहाँ पर हाइड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो आप इस चैनल पर कितना भी आप कमेंट करते रहिए आपका इस चैनल पर शो नहीं होने वाला, या लिंक भी डाल दीजिए तो यहाँ पर आपका लिंक शो नहीं होने वाला है। सिंपली आप यहां पर देख रहे हैं कि ब्लॉक बॉडी, आप ऐसा वर्ड डाल सकते हैं जो कोई भी गंदा वर्ड अगर बोलता है अगर आपको कमेंट पे, तो यहां पर ऐसा योर वर्ड यहां पर डाल सकते हैं जिससे अगर कोई वो वर्ड का इस्तेमाल करेगा कमेंट में तो वो वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में शो नहीं होगा। और ये वर्ड जो भी कमेंट करेगा कोई भी, तो वो अगर गंदा वर्ड रहेगा तो यहाँ हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, अगर यहाँ पर वो अगर आप यहाँ पर वो वर्ड टाइपिंग कर देते हैं, डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कुछ गालियाँ होती हैं वो डाल सकते हैं, या कोई गंदे लैंग्वेज होते हैं वो डाल सकते हैं, तो अगर कोई डालेगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, आपके कमेंट बॉक्स में वो शो नहीं करने वाला है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई भी यूजर आपको कमेंट में कोई गंदे शब्द का यूज करेगा तो ये आपको आपके कमेंट बॉक्स में शो कभी नहीं होगा और वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा और आपको शो नहीं करेगा। ब्लॉक लिंक पर जाके लिंक को भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यूजर कमेंट पे लिंक को भी शेयर कर देता है, तो यहाँ ब्लॉक लिंक पे टिक लगा देंगे तो आपका कोई भी लिंक आपको भेजेगा तो वो लिंक आपके कमेंट बॉक्स पे नहीं आने वाला है। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि हैशटैग वाले या कोई भी लिंक आपको भेजेगा तो आपके वो कमेंट बॉक्स में शो नहीं होने वाला है, चाहे वो कितना भी लिंक भेजता रहे, आप या हैशटैग वाला लिंक भेजता रहे, आपको यहाँ पे शो नहीं होने वाला है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये है YouTube चैनल के कुछ बेसिक फीचर जिसको मैं आपको बहुत डिटेल से समझाया हूँ, और जितना डिटेल में मैं बताया हूँ उतना डिटेल में आपको YouTube पे कोई भी नहीं बता पाएगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम YouTube स्टूडियो से अपने चैनल को मैनेज करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।